नमस्ते भाई और बहनों, डीएमएसोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के विशेष कार्यक्रम के लिए कैसे गुरु को याद करें, कैसे गुरु का पूजन करें और गुरु पूर्णिमा के समय हम किस तरह से गुरु का आशीर्वाद पाए, यही उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया है। देखिए, पहले तो जानते हैं गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है वृद्धि और पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण, मतलब कि जो हमारे जीवन को वृद्धि करे और पूर्ण करे वो होता है गुरु पूर्णिमा। और जैसे कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए। मतलब कि ये गुरु की महिमा है जिन्होंने आपको गोविंद के दर्शन करा दिए। सो ये गुरु गोविंद जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जीवन में नए चीज़ों को हमें दिखलाते हैं, उनका पूजन कैसे करें, उनको हम अपने आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें वो देखते हैं। इस बार की गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन 10:45 पे शुरू हो जा रही है और दूसरे दिन शनिवार को 24 जुलाई को सुबह 8:05 को रहेगी। जो गुरु पूर्ण पूजन का अवसर है वो हम शुक्रवार के दिन 23 जुलाई के दिन करेंगे। 23 जुलाई के दिन हम ये शांति और गुरु का पूजन करेंगे। इस दिन क्या करना है, तो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो होता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त है उस दिन 12:45 से लेके 1:11, इन दरम्यान हमें गुरु का पूजन करना है। ये समय हर एक जगह के सूर्योदय सूर्यास्त से बदल सकता है। मैंने बॉम्बे का लिया है, सो आप अपने क्षेत्र का सूर्योदय सूर्यास्त देख के अपना अभिजीत मुहूर्त निकालें। सो अभिजीत मुहूर्त 12:45 से लेके 1:11 के बीच में है, या उस दिन गुरु की होरा के समय आप पूजन कर सकते हैं। गुरु की पहली होरा लग रही है 10:35 से लेके 11:40। हालांकि 10:45 को ही पूर्णिमा चालू हो रही है, तो आप 10:45 से 11:40 तक का पहला समय ले सकते हैं, पर उस समय पे राहु काल होने के लिए ये इतना पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी बार ये आएगा शाम को 6:11 से लेके 7:16, मतलब 1816 टू 1916 1811 टू, ये गोधूलिक का है। ये भी बहुत श्रेष्ठ समय है, सूर्यास्त के समय पे आप जो भी मांगते हैं वो मिलता है। और फिर मध्य रात्रि को आ रहा है, रात को 12:45 से लेके रात को 1:40, ये तीन समय पे, मध्य रात्रि के तीन समय पे गुरु की होरा भी आ रही है। उस समय पे भी आप गुरु का पूजन, गुरु की ध्यान और गुरु का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो चलिए देखते करना क्या है। पहले ही मैंने कहा कि ये गुरु पूर्णिमा का अवसर है, सो गुरु को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके गुरु है नहीं है अभी, पर फिर भी उनका ध्यान करना है, और जिन्होंने हमें जो कुछ भी सिखाया है उन सारे गुरुओं का ध्यान करना है। सबसे पहले तो आपको गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन करते हैं चंदन से। अब यहाँ पे आप माता पिता का भी कर सकते हैं, माता पिता भी एक तरह के हमारे गुरु ही है। सो चंदन से उनको तिलक कर सकते हैं और चंदन से उनका पूजन कर सकते हैं। सो सबसे पहले, क्योंकि गुरु जो है ग्रह उसका भी चंदन होता है, तो गुरु का पूजन करेंगे चंदन से, या माता पिता का पूजन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको पैर पड़ेंगे, फिर ध्यान करेंगे। उस वक्त पे अगर ध्यान करते हैं गुरु का भी, गुरु के फोटो के सामने या गुरु के समक्ष या गुरु का ध्यान करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा अवसर है। गुरु का मंत्र करना चाहिए, जो गुरु ने आपको मंत्र दिए, गुरु मंत्र जिसे कहते हैं वो करिए, या तो गुरु ग्रह के मंत्र करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम गुरुवे नमः, इतना भी आप कर सकते हैं। फिर मेडिटेशन कीजिए 1 घंटे के लिए, जो गुरु की हो रहा है उस समय पे मेडिटेशन कीजिए और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए। फिर आप पाद पूजन भी कर सकते हैं। पाद पूजन बहुत
महत्वपूर्ण है। थाली में गुरु के पैर रखे, गुरु के जो अंगूठा होता है उसका पूजन किया जाता है, उसको धोया जाता है पानी से, दूध से, और फिर उसके ऊपर चंदन और हल्दी का लेप लगाते हैं। ये भी एक गुरु पूजन हो सकता है और गुरु को तिलक हो सकता है। आप उस समय उस दिन जितना हो सके उतना मिठाई बांटिए, क्योंकि वो भी गुरु को पसंद है। ज़्यादा करके जो बूंदी के लड्डू होते हैं, जो मीठे भी होते हैं पीले भी होते हैं, तो वो गुरु के दान श्रेष्ठ होता है। या तो फिर कोई एजुकेशन मटेरियल जो होता है, अभ्यास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आप दान कर सकते हैं। जैसे किताब है, कलम है, या पढ़ने के लिए जो कोई भी चीज़ें हैं उसका दान कर सकते हैं। आप उस समय पे लाइब्रेरी में दान कर सकते हैं। अगर किताबों का दान करते हैं तो वो भी गुरु पूजन ही माना जाता है। आप किसी को सिखा सकते हैं कुछ भी, जो भी आपका विषय हो उस विषय पे आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। वो भी एक गुरु के प्रति एक अच्छा भाव होता है, अभिभाव होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप उस समय पे मंदिर में जाके भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत से लोग गुरु को मानते हैं, जैसे बहुत साई बाबा है, या जो भी हमारे सप्तऋषि है, गुरु है, संत है, उसका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। उसका भी उसको भी पैर पड़ के उसका भी आशीर्वाद, और उससे आप अच्छी ज्ञान ले सकते हैं, तो वो भी एक आप कर सकते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान है उसको आप इस समय पे याद कर सकते हैं, या अभी तो वीडियो से, व्हाट्सएप से, या तो YouTube के माध्यम से भी बहुत सारे लोग अपने गुरु से जुड़ सकते हैं, या गुरु ने दी हुई जो भी वाणी है, जो ज्ञान है, उसको आप उस समय पे ले सकते हैं। उस समय पे हल्दी का बहुत विशेष दान होता है, तो हल्दी का दान कर सकते हैं। पीली जो चने की डाल होती है उसका दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं, फ्रूट्स का दान कर सकते हैं। फ्रूट्स भी इसके अंदर ही आते हैं। कोई भी प्रकार के जो फल हो वो फल का भी दान कर सकते, या जो फूल है जो मंदिर में चढ़ाए जाते, ये सारी चीज़ें गुरु के चरणों में रख सकते हैं, मंदिर में जाके दे सकते हैं, या पूजन में रख सकते हैं। सो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है आप सभी को कि गुरु का आशीर्वाद पाए। और गुरु ने जो कुछ भी कहा है, अगर आपके गुरु है प्रत्यक्ष, नहीं भी है, तो उस उनके द्वारा दिए गए हुए जो भी कोई ज्ञान है उसको इस समय पे आप याद कर सकते हैं, और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। सो इस तरह से गुरु का पूजन करें, पूर्ण दिन गुरु को ध्यान में रखें। गुरु महाराज को जो ग्रह है, गुरु ग्रह है, जिनका भी गुरु निर्बल है उनको बलवान करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। गुरु का दान करें, और गुरु की चीज़ें जो मैंने बताई है उसका दान करें, इससे आपका गुरु भी प्रबल होगा। और गुरु मंत्र का पूरे दिन तक मानसिक जाप करते रहे। माला हो तो ठीक है, माला नहीं है तो ज्ञान मुद्रा में बैठ के, ये जो ज्ञान मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा में बैठ के आप कहीं पे भी मानसिक जाप कर सकते हैं। सो इस तरह से गुरु पूर्णिमा का जो अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी को, और जिससे आप गुरु के बहुत समीप जा सकते हैं, गुरु का आशीर्वाद पा सकते हैं, और गुरु के ज्ञान द्वारा आपके जीवन को आप अच्छा और सफल बना सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने यह वीडियो बनाया है। आप जरूर, आपके जो कोई भी गुरु हो, माता पिता हो, जो भी वडील हो, जिन्होंने जो कोई भी सिखाया है शिक्षा के कोई भी अवसर में, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आपको जो भी मार्गदर्शन दे रहे हैं उन सभी का इस समय पे पूजन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी गुरु का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे और आशीर्वाद लेके अपने जीवन को धन्य करेंगे, पूर्ण करेंगे और वृद्धिकारक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.dmastrology.com, उस पर भी बहुत ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करते हैं, या इसमें दिए गए जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझसे जुड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।